कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक की छत पर पतंग उड़ा रहे 16 वर्षीय किशोर की हाई टेंशन लाइन के कट लगने से मौत हो गई। बताया गया है कि पतंग उड़ाते समय अचानक मांझा हाई टेंशन लाइन में फंस गया। मांझे में लाइन से कट उत्तर आया और किशोर को चपेट में ले लिया। मौके पर ही किशोर की मौत हो गई। सूचना देने के 2 घंटे बाद भी विद्युत विभाग मौके पर न पहुंचने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट से बात की। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। 2 घंटे के बाद पहुंचे 2 SDO को क्षेत्रवासियों ने घेर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के पिरामल निवासी वंश रस्तोगी पुत्र सोनू रस्तोगी मंगलवार की शाम अपने दोस्त कार्तिक के पास सुभाष बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर गया था। बताया गया कि दोनों दोस्त बैंक की छत पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे थे। बताया जा रहा है कि वंश चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहा था, तभी मांझा बैंक की छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में फंस गया। मांझा फंसते ही हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर गई। इससे मांझे में कट उतर आया। कट ने वंश को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फॉल्ट होने से कोतवाली क्षेत्र में पावर कट हो गया। आसपास के लोगों ने फौरन लाठी डंडे मारकर किशोर को तार से छुड़ाया। फौरन उसे इलाज के लिए होप अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट राहुल विश्वकर्मा, CO कोतवाली अमित राय, भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा, दीपक शर्मा पहुंचे। लोगों ने बताया कि काफी देर हो गई, लेकिन अभी तक बिजली विभाग के अफसर कर्मचारी नहीं आए हैं। कमलदत्त शर्मा ने DM को घटना की जानकारी दी। 2 घंटे बाद बिजली विभाग के SDO पहुंचे। इससे लोगों में विभाग के प्रति काफी नाराजगी रही। घटनाक्रम क्या, बच्चे को बिजली ने पकड़ लिया और बिजली के पकड़ने के तुरंत बाद उसकी वहीं पर ही उसकी मृत्यु हो गई। और वहाँ के लोगों ने जो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने डंडों से तारों को हटाया। अब देखने वाली बात यह कि बिजली वाले भी आ रहे हैं कि कौन से इसमें किस स्तर पर लापरवाही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करी जाएगी और जो पीड़ित परिवार है उसको क्या हेल्प कराई जा सकती है उसके लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, CO साहब भी हैं, अभी बिजली के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम वंश रस्तोगी है, इसकी उम्र 16 वर्ष है। काम तो मजदूरी है, मजबूरी में मजदूरी करता है। जब परिवार चलाना होता है तो समय से पहले ही बच्चे को काम पर लगना पड़ता है, उसी तरह का ये परिवार है। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है, वंश रस्तोगी पुत्र सोनू रस्तोगी उम्र तकरीबन 16 वर्ष की मृत्यु जो है, उनके परिजनों और आस पड़ोस के लोगों का ये कहना है कि विद्युत करंट लगने से हुई है। तो उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो इसकी पूरी जांच करके इसमें किस स्तर पर लापरवाही हुई है उसका संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई की जाएगी और परिवार की जो भी इसमें शासकीय योजनाओं के अंतर्गत देय मदद होगी वो करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, घटना को 2 घंटे से ऊपर हो चुका, अभी तक विद्युत विभाग वाला कोई कर्मचारी नहीं आया, ना कोई अधिकारी आया, क्या कहेंगे? इसके संबंध में संज्ञान ऊपर लिया जा चुका है और उच्चाधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।